नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की। कौशाम्बी ब्लॉक निवादा क्षेत्र के ग्राम कोटिया में ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा नल गलत जगह पर रिबोर कराया जा रहा है और नया सरकारी नल भी गलत जगह पर लगाया जा रहा है जहां बोरिंग कराया जा रहा है। सभी आसपास के घरों में नल है। सूत्रों से ये भी पता चल रहा है जिनके घर के पास बोरिंग कराई जा रही है उनसे 10-10 हजार रुपये लिए गए हैं। जिस स्थान पर नल लगना चाहिए उस स्थान पर नल नहीं लग रहा, इससे ग्रामीणों को पानी को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के ही एक व्यक्ति ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सही जगह पर जिनके घरों में पानी की समस्या है वहां बोरिंग करवाई जाए। अब देख रही है इसकी जांच कब होती है और अधिकारी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। क्या मामला है? यहाँ आवश्यकता नहीं है, जब नल की जबरदस्ती लगाया जा रहा है। जहाँ पर काम है वहाँ पर नहीं लग रहा। अच्छा, हाँ। कौन लगवा रहे हैं? लगवा रहे हैं किसान यादव। आप शिकायत किसी से किए हैं? हाँ, किए हैं, बेटियों से किए हैं, सिंगरेटरी से और SDM साहब से किया है। तो आप जब शिकायत करने जाते हैं, प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं, तो वहाँ आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? वहाँ कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं। लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई? कुछ नहीं, कोई नहीं आया, अब बोर चालू है। अच्छा, ये बोरिंग जो हो रही है कितनी कितनी दूरी पे हो रही है? ये 10-10 मीटर पे है। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र प्रसाद। गाँव? कोटिया। थाना? जिला? कौशाम्बी। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी। नमस्कार।